Good evening, everyone. So, first of all, thank you for coming to the session. This is our 40th session for Feminist Friday. अभी तक हमारा almost we are finishing 1 year. हमारा मकसद इसको उसको start my colleagues could not be there because of their other commitments. पर हमारा मकसद ये था कि हम feminist readings को ज़्यादा से ज़्यादा अपने research में ला सके, ऐसे heavy concepts, academic concepts को break कर सके, उन लोगों के साथ डिस्कस करें हो सकता है जो इस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं है. और ऐसा हमारा मानना है कि फेमिनिज्म इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक, ऑल्सो अवर पॉलिटिक्स एंड इट्स पर्सनल एंड पॉलिटिकल. तो इसी को नज़र में रखते हुए हमने अपनी लैंग्वेज के बैरियर को ब्रेक किया है. इट्स नॉट जस्ट कि आप इंग्लिश में कोई हैवी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. हम लोग कोशिश ये रहेगी कैसे इसको पर्सनल लाइफ में उनको उतार सकें. विद दैट डिस्क्लेमर, अभी तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं there are certain ground rules, which is one, जो भी ये स्पेस है इट्स अ स्पेस फॉर एवरी वन, विच इंक्लूड्स डिफरेंट लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कास्ट बेस, अदर माइनॉरिटीज. तो बी रिस्पेक्टफुल. ऑल्सो वी रिकॉर्ड दिस सेशन टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि काफ़ी लोग फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, तो अपलोड आवर यूट्यूब चैनल. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऐसा लगता है कि देर इज समथिंग विच यू वॉन्ट टू सेव ऑफ कैमरा और यू वॉन्ट टू इवन रिमूव योर कंटेंट, सो जस्ट लेट अस नो, बिकॉज दिस इज नॉट लाइव. सो विथ दैट स्मॉल डिस्क्लेमर, आज की जो हमारी रीडिंग है उसको रखने का मकसद ये था कि अभी तक जितनी भी हमने रीडिंग्स की हैं तो वी टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल हु कम. और लास्ट वाली जो हमारी फूको की रीडिंग थी तो हम लोगों को ये मिला फीडबैक कि वो बहुत ही अकेडमिक, बहुत ही टफ, एंड द वे द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो रिटन. सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट फीडबैक और इसीलिए आज की रीडिंग हमने इग्नू का जो मटीरियल है उसमें से उठाया है. और बेसिक्स क्या है, क्या है फेमिनिज्म, क्या है फेमिनिज्म के वेव्स, क्या है 1, 2, 3 लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्या है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट क्या है, ठीक है. तो इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे. और ये जो फेमिनिस्ट फ्राइडे चलाने का एक मकसद और भी है कि अगर आप भी अपने लाइफ में कोई भी ऐसा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं विच यू फाइंड इंस्पायरिंग, तो इट्स ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू कम एंड सिट एंड शेयर, सो दैट वी क्रिएट इन अ नॉन हायरार्किकल लर्निंग स्पेस फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स. एट नो पॉइंट ऑफ टाइम I, being a student from Center for Women's Studies, claim that I know more than anyone else in this field at least. This is, we are open to each other's understanding of what gender in general and feminism means for each of us. So, without taking longer, let's come and start right into the readings, which is Unit 1, which talks of formative feminism. I've already given. तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आधा पौना घंटे के आसपास हम लोग रीडिंग करेंगे. मैंने हाईलाइट किया है विच आई थॉट आर सर्टन एरियाज, नॉट नेसेसरी यू हैव टू एग्री विद मी, बट वील जम्प थ्रू दिस हाईलाइटेड एरिया और बीच बीच में वील ओपन अप स्पेस और हमारी क्या समझ है उसको लेके, या फिर इफ यू वॉन्ट टू शेयर योर पर्सनल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिव फेमिनिज्म. तो इसमें 3-4 स्कूल दिए हैं जो हम लोग को इंट्रोडक्शन में ही दिख रहा है. एंड द ब्यूटी अबाउट इग्नू टेक्स्ट इज कि वो एक तो इंट्रोडक्शन में बताते हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि क्या हम इस टेक्स्ट में पढ़ने वाले. एंड आई लाइक इट एज अ टीचिंग टूल ऑल्सो कि हम लोग को पहले ऑब्जेक्टिव पता है, फिर वो एक एक ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उसके फिर लास्ट में क्रिटिक देंगे एंड देन एक सम अप करेंगे और उसके फिर नीचे रेफरेंसेस और जो कीवर्ड्स हैं उनका डेफिनेशन. तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक टेक्स्ट जिसमें कि हमको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से मेन स्ट्रेंथ्स ऑफ फेमिनिज्म है. तो इसमें लिबरलिज्म एक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, रेडिकल फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म है. बिफोर वी मूव इनटू दिस, हमारी एक कॉमन समझ क्या है फेमिनिज्म को लेके, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, मार्क्सिज्म एक अलग फील्ड है, बट फेमिनिज्म किस चीज़ की बात करता है? इज इट अबाउट वेमेन? इज इट अबाउट ऐसे कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट क्या समझते हैं हम फेमिनिज्म से? कौन लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? कुछ भी कर, कोई भी ऊपर कोई भी थॉट आ रहा हो, क्या चीज हो सकती है फेमिनिज्म के बारे में? इट्स अबाउट टैकलिंग द पावर रिलेशंस एंड द हायरार्कीज दैट एग्जिस्ट. एब्सोल्युटली, इट्स वेरी लाइक वेरी शार्पली, वेरी क्लियरली पुट, इट्स अबाउट चैलेंजिंग हायरार्कीज. इट्स ऑलवेज ऑलवेज रिलेटेड टू पावर क्वेश्चन. ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड टू वन जेंडर. फेमिनिन से फेमिनाइन का मतलब वुमेन नहीं है. ठीक है, तो इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग द पावर स्ट्रक्चर्स. वही यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा भी है, फेमिनिज्म इज डायरेक्टेड एट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज ऑफ पावर. तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सोसाइटी है इट्स अनजस्ट, देर आर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज और उन इनइक्वालिटीज को कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहा है पावर रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन. फेमिनिस्ट थ्योरीज
combine description, explanation and prescription. Each theory attempts to describe women's oppression, explain the cause and consequences and prescribe strategies for women liberation. Now, जब हम कहते हैं कि feminism is not only about women, but that does not mean कि feminism is not about women. It is about women's oppression. It is about how through series of movements, through series of social movements, they have created this whole new sort of a knowledge, huge new concepts, जिसके through वो challenge करती हैं inequal structures को, whether it's philosophy, whether it's science, whether it's technology, whether it's policies, whether it's academics, तो women oppression remains center, and ऐसा उसमें centrally माना जाता है कि women के oppression को women के through ही उनकी voice में ही present किया जाए, so it's always important to address, जैसे कि अभी मैं अगर women की बात करूँगा, so this becomes inauthentic because it's not coming from experience. I cannot talk of women oppression, right? So at no point of time feminism will believe that somebody else is speaking for somebody else's behalf. So we have to be very careful. I can speak of myself, I can speak on my experience, probably that's my research area. I can talk of masculinities, but not specifically about women's oppression, but I can sympathize with, and solidarity can be raised. नेक्स्ट इसी पेज पे हम देखते हैं कि सो देयर डिफरेंट मूवमेंट्स 19th और 20th सेंचुरी के आसपास दिस वाज बिकम लाइक मूवमेंट्स के थ्रू फॉर्मेटिव फेमिनिज्म आर तो एक टर्म जो हेडिंग में यूज किया फॉर्मेटिव फेमिनिज्म फॉर्मेटिव एक द वर्ड इटसेल्फ शोज की जहां से बिगिनिंग हुई है एट द फॉर्मेशन स्टेज जहां पे हम देखते हैं लिबरल मार्क्सिस्ट रेडिकल एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कम्स अंडर दिस ईच थ्योरी प्रेजेंटेड इन द यूनिट थ्री ब्रॉड सेक्शंस the informing political philosophy, its theoretical debates and the critique of theory. तो ये सब के सब इन dimensions पे cover किए जाएंगे कि क्या क्या उनकी political philosophy. Liberalism एक पूरा का पूरा school है political philosophy का, ठीक है, ऐसी Marxist political philosophy है, socialist political philosophy है, तो उनके क्या क्या debates हैं, क्या क्या उनका critique है और कैसे feminism उसे engage करता है. Moreover, you can also observe that how each feminist theory pushes the frontier of feminism further and provides space and scope and energy for new ideas to emerge. ऐसे waves के form में बोला जाता है, ये waves term क्यों use की है, ऐसे क्यों लगता है कि इसको waves बोला गया, circles नहीं बोला गया, या फिर ऐसे intersections नहीं बोला गया, ऐसे waves. It's continuing? Yes, it's continuing. And like it sort of waves giving rise to another. Yes, yes. So it's like one engaging with other, एक के बाद आई है, ठीक है. और दूसरा देर आर टाइम्स व्हेन इट टेक्स राइज, जैसे वेव में इज अ क्रेस्ट देन देयर इज अ ट्रफ आल्सो, ठीक है, और कंटीन्यूअसली इमर्जिंग वेव. दीस आर द एनालॉजीज व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई दीस आर वेव्स एंड कांस्टेंटली इमर्जिंग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो पहला जो सेक्शन है उसके ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हुए हैं, चार ऑब्जेक्टिव है. पहला, रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी, क्या क्या उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. डिफरेंट पॉलिटिकल फिलासफीज, लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. फिर एग्जामिनिंग थ्योरेटिकल डिबेट्स एंड थॉट्स ऑफ लीडिंग फेमिनिस्ट थिंकर, कौन कौन वो ऐसे नाम है, कौन कौन से वो थिंकर है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एंड देयर लिबरेटिंग स्ट्रेटजीज सजेस्टेड बाई ईच फॉर्मेटिव फेमिनिज्म. तो कौन कौन से फेमिनिज्म में कौन कौन से थिंकर्स थे और उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट की और उनकी स्ट्रेटजीज ने क्या अचीव किया, फिर कहाँ कमी रह गई, फिर उसके बाद कौन सा नेक्स्ट थिंकर आया जिसने उसको और बाउंड्रीज को पुश किया. तो ये इस तरह से सीरीज में हम लोग देखेंगे. क्रिटिक ईच फॉर्मेटिव फेमिनिस्ट थ्योरी सो दैट अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल राइज ऑफ सक्सेसिव फेमिनिज्म. तो कैसे कैसे हर एक थ्योरी जो है वो अपने आप में लिमिटेड है और कैसे उसने नेक्स्ट थ्योरी को राइज दिया. सो इट्स अ सीरीज, इट्स अ कंटिन्यूसली एंगेजमेंट. तो बिफोर वी गेट इन टू लिबरल फेमिनिज्म, लिबरलिज्म एक बहुत ही पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है. उनके क्या क्या समझ में आता है हमको लिबरलिज्म से, द वर्ड लिबर्टी, द वर्ड लिबरलिज्म, क्या उसके कुछ दो तीन फीचर्स होते हैं, कभी ऐसा सुना या पढ़ा हो तो एनीबडी कैन शेयर, जिनको लाइक नॉट नेसेसरली राइट और रॉन्ग, बट शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग कलेक्टिवली टू इंडिविजुअलिज्म. एग्जैक्टली, सो लिबरलिज्म टॉक्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है. ऐसे बोला जाता है 15th-16th सेंचुरी के आसपास एनलाइटनमेंट के टाइम पे यूरोप में दिस आइडिया जनरेटेड कि जो इंडिविजुअल है दे हैव रैशनैलिटी. सो कोर एलिमेंट इज दैट इंडिविजुअल हैज रैशनैलिटी
within rationality comes dignity. Kant ka ek article hai, which talks of dignity because every individual is, again what you said, challenging the collective idea. ठीक है? That these are the key pillars of modernism actually. इंडिविजुअलिज्म से ही मॉडर्निज्म द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कि एक पर्सन के पास एक वोट है क्योंकि एक वोट के बेसिस पे हम स्टेट चूज कर सकते हैं सो वी हैव टू ट्रेस बैक टू लिबरलिज्म लिबरलिज्म इज अबाउट वन पर्सन विद राइट्स एंड रैशनैलिटी तो यहाँ पे देखते हैं क्या इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में वही मेंशन किया है कि लिबरल फेमिनिज्म इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल लिबरलिज्म दैट इमर्ज्ड इन द वेस्ट नाउ दिस वी कैन क्वेश्चन कि इज लिबरलिज्म रियली इमर्ज्ड इन वेस्ट इस आइडिया की इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर रैशनैलिटी होती है और उसके अंदर इक्वल राइट्स होते हैं दिस इज समथिंग वी कैन डिस्कस टेक ऑन लेटर आल्सो बट फॉर नाउ लेट्स टेक द एज ऑफ रीजन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर लिबरलिस्ट द यूनिक ऑफ ह्यूमन नेचर इज इन द कैपेसिटी ऑफ रैशनैलिटी कि हमारे अंदर रैशनल फैकल्टी है हमारा थ्रू रैशनल फैकल्टी वी कैन अंडरस्टैंड नेचर वी कैन इनफैक्ट डोमिनेट नेचर उससे फिर साइंस की उत्पत्ति उसी से हुई है क्योंकि हमारे अंदर रैशनैलिटी है Human progress is on the onward march of human reason and knowledge. और उस reason की वजह से knowledge produce होती है उसकी वजह से progress आती है आज भी हम बात करते हैं creativity, innovation as an indicator of development. तो यहीं से आता है कि किसके अंदर rationality, किसकी rational faculty ज़्यादा develop है Whole education system works on producing IQ, making sure that your reason faculty is developed. उसके अपने critique है कि किसके पास reason है जब भी बात कर रहे हैं rationality की किसको बोला गया कि किसके पास रीजन है और किसके पास रीजन नहीं है ठीक है तो इंडिविजुअल यहाँ से एरिया ह्यूमन प्रोग्रेस इज ऑनवर्ड मार्च ऑफ रीजन एंड नॉलेज इंडिविजुअल डिग्निटी इक्वालिटी ऑटोनॉमी सेल्फ फुलफिलमेंट आर एस्टीम्ड एज लिबरल वैल्यूज जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 हमारे राइट्स का बेसिस भी यही है कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी ठीक है इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिग्निटी से सारा का सारा ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स इज बेस्ड अपॉन वन फंडामेंटल लाइन विच इज ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न विद दिस इनहेरेंट डिग्निटी विच इज कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैशनैलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल रदर देन ऑफ अ ग्रुप तो जो बात उन्होंने बोली कि इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस करते हैं एंड इट्स द मेंटल कैपेसिटीज प्रोसेस पजेस्ड एट द लीस्ट बाय ऑल मेन इन इक्वल मेजर्स तो सारे मेन के अंदर ये होती ही है ठीक है एग्जिस्ट तो कंजर्वेटिव लिबरल्स पे आते हैं हम लोग कंजर्वेटिव लिबरल्स द प्रिंसिपल ऑफ रैशनल इंडिविजुअलिज्म आर नॉट अवेलेबल टू वुमेन बिग बिग फिलोसफर्स जैसे एरिस्टोटल और सोक्रेटिस नाउ विल सी द इनहेरेंट सेक्सिज्म इन देम जब तक हम ये द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे तो वी माइट बी फैन ऑफ पीपल लाइक एरिस्टोटल बट द मोमेंट वी रीड दे इनहेरिटेड एरिस्टोटल्स रिडक्शन दैट We should look on the female as a being, as it were a deformity, though one of which occurs in the ordinary cause of nature. Thinkers like Voltaire, Montesquieu, and above all Rousseau wrote that women are biologically suited to play the role of wives and mother. They are by nature emotional and passionate. मतलब उनके nature में ही है कि वो passionate और emotional है, and hence unsuited for the work in public sphere. The normative dualism. Which is of Descartes, divided mind and from body, rationality and associated mental capacities were ascribed to men, while women were passionate and emotional, were identified by the body, with the body. तो उनकी body पे focus किया गया है, उनके emotions पे focus किया गया है, ना कि उनकी rationality पे. और even Rousseau was committed to sexual dichotomism in the construction of a systematic difference between rational man and emotional women. तो ये कभी ऐसा सुनने में आया हमारे लाइफ में कि हमने ऐसे सुना हो कि हाँ ये तो औरतें तो ऐसे इमोशनल होती हैं बहुत ही जनरल बायस लगेगा बट ये डिस्टिंक्शन मेंटेन किया जाता है एंड वी सी दिस कम्स फ्रॉम वेस्टर्न फिलॉसफी डेकार्ट ने जैसे डिवाइड किया था माइंड एंड बॉडी को ठीक है तो उस डुअलिज्म और उन बाइनरीज के ऊपर ही ये सब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर फिर सोशोलॉजिकल डिफरेंसेज जोड़ दिए गए और कैसे कैसे ये फिलासफर्स जो कि लिबरल स्कूल के थे उनको कंटिन्यू किया उन्होंने If you can, I'll pause here and just let this idea sink in कि liberal feminism का foundation कहाँ से बन रहा है foundation इन्हीं से बन रहा है कि dichotomy है तो जो बात शुरू में कही थी कि feminist किसके लिए काम करते हैं feminist का struggle क्या है feminist का struggle सारे structures of inequality को लेके होता है और एक structure जो identify किया है
वो ये आइडेंटिफाई कि जब भी बाइनरीज बनती है, जब भी दो बाइनरीज बनती, दो आइडेंटिटीज बनती है, वो बाइनरीज कभी भी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैन और वेमेन, जैसे वाइट और ब्लैक, ठीक है, जैसे डे और नाइट, तो ऑटोमेटिकली हम बचपन से पढ़ते आए बाइनरीज, बट उन बाइनरीज में देयर इज एन इनहेरेंट पावर डिफरेंस, तो उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको चैलेंज करना है। दिस इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ फेमिनिस्ट थिंकर्स। एनीथिंग वॉन्ट्स टू एड एट दिस पॉइंट? ओके, मूविंग अहेड, तो लिबरल फेमिनिस्ट वॉइसेस आती है नेक्स्ट। आई होप यू आर एबल टू फॉलो द रीडिंग। सो वी आर मूविंग ऑन टू लिबरल फेमिनिस्ट। तो अभी जो मेन थिंकर्स यहाँ पे आएंगे, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, उनका नाम इम्पोर्टेंट है। द कंटेम्प्रेरी लिबरल फेमिनिस्ट अडॉप्टेड द थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड डिमांड द स्टेट शुड एक्टिवली परस्यू सोशल रिफॉर्म्स एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। दे अपोज्ड लॉ दैट एस्टैब्लिश्ड डिफरेंट राइट्स फॉर वुमेन एंड फॉर मेन। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जब लिबरलिज्म का राइज हो रहा है, तो स्टेट का क्या रोल है? हमने बात की कि इंडिविजुअलिज्म का राइज हुआ, रेस्टैलिटी का राइज हुआ, तो मोनार्की से वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेट विच इज मॉडर्न स्टेट विच इज डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। लेकिन वो स्टेट का काम क्या है, लाइक व्हाट डज द स्टेट लुक लाइक? बिकॉज स्टेट का काम वेलफेयर है, स्टेट का काम राइट्स इंश्योर करना है, स्टेट का काम, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्टेट, बट उसमें से एक लिबरलिज्म से जो कंपैटिबल है वो है कि लेजर फेयर स्टेट। स्टेट मार्केट में इंटरवीन नहीं करेगा, स्टेट रूल्स बनाएगा, स्टेट के जो जो थ्री एलिमेंट्स हैं जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करेगा, जुडिशरी मेक श्योर कि सबके लिए एम्पायर की तरह काम करेगा कि अगर मार्केट भी काम कर रहा है तो उनको रूल्स के अंदर काम करे, तो और उनके राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स इंश्योर करे। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं जो फर्स्ट वेव जो आ रही है, जिसको फर्स्ट वेव बोला जाता है, विच इज अबाउट कि स्टेट से वेलफेयर की डिमांड कर रही है वुमेन, वुमेन थिंकर्स मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, शी इज परस्यूइंग सोशल रिफॉर्म्स एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ठीक है। तो मेन और वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड करती है। द बूर्जुआज वुमेन ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी वर कन्फाइंड विद इन द अनप्रोडक्टिव आइडल कंडीशन ऑफ डोमेस्टिक राइस। यहाँ पे वी हैव टू लुक फॉर रोजमेरी टॉन्ग डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन हर फेमिनिस्ट थॉट दैट दीज वुमेन वर द फर्स्ट टू फाइंड देमसेल्फ लेफ्ट एट होम विद लिटिल प्रोडक्टिव और इनकम जनरेटिंग वर्क, मैरिड टू वेल्दी प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर मैन, दीज वुमेन हैड नो इंसेंटिव टू वर्क। तो एक ऐसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट बात कर रहे हैं कि ऐसे गोल्डन केज में बंद है वुमेन, कि उनके लिए बोला गया कि आपके लिए तो घर का काम बेस्ट है, ठीक है, एजुकेशन की जरूरत क्या है, जस्ट एज अ ट्रॉफी वाइफ की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, एंड दे आर मैरिड, तो उनका काम इट्स लाइक अ बीइंग, देयर बेसिक नीड्स आर मेट। आर वी एबल टू रिलेट टू इन दिस प्रेजेंट टाइम व्हेन वी कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, आर वी एबल टू फाइंड द सिमिलर आर्ग्यूमेंट? कहाँ पे ऐसा सुनने मिलता है, देखने को मिलता है, मतलब कोई ऐसा reasons of declining women labor force participation is this, because अगर फैमिली में इनकम बढ़ रही है तो कमाने जाने की जरूरत क्या है, व्हेन योर ऑल योर बेसिक नीड्स आर मेट, सो वुमेन को पब्लिक स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं है। सो उसी को चैलेंज कर रही है। इट्स अबाउट कंसिडर्ड दैट वुमेन आर कंसिडर्ड फेदर्ड रेस, द बर्ड्स इन द केज हु डू नथिंग बट प्लम देमसेल्फ एंड टॉक विद मॉक द मैजेस्टी फ्रॉम पर्च। सो दिस इज व्हाट मैरी वॉलस्टोन हैज रिटन। यहाँ पे हैरियट टेलर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हैरियट टेलर मिल, शी वॉज मैरिड टू जॉन स्टुअर्ट मिल। बोथ टेलर एंड मिल डिफर्ड फ्रॉम वॉलस्टोनक्राफ्ट इन डिमांडिंग फॉर वुमेन नॉट ओनली सेम एजुकेशन एज मेन टू अचीव सेक्शुअल लिबर्टी बट ऑल्सो द सिविल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मेन एंजॉय। तो इससे पहले मैरी वॉज आस्किंग फॉर एजुकेशन राइट्स, कि मेन और वुमेन के एजुकेशन राइट्स सेम होने चाहिए, उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। नाउ Harriet has again moved one step further, asking for not just same education, but also for civil liberties and economic liberties. Civil and economic liberties are your voting rights, socio-political rights, civil rights. So, ताकि वो वोट कर सके. Now we see the shift. Harriet and Mill provided the agenda for the next 200 years for liberal feminism by synthesizing both utilitarian and libertarianism.
So they talked of granting all the political privilege, including the votes and run to the basically right to run for public office. So this is West we are talking. This is when, which century is this you're talking? 1851. Okay. 19th century. After independent, like even in US also, lot of countries became independent without giving voting rights to women. India is unique in terms of that, that at least suffrage right, voting rights were given to women at the time of independence. Now, Betty Friedan, now this is where your second wave of feminism comes in. This is important writing of Betty Friedan, and her work is Feminine Mystique. Now, I'll read one paragraph, the first part. She is credited with sparkling the second wave of feminism. The second wave of feminism believed that women's liberation means sexual equality and gender justice, and that social change can be achieved by constructing legislations and regulating employment practices. The feminine mystique is the idea that women can find satisfaction exclusive in their traditional role of wife, and Friedan attempts to explode this myth. So myth kya hai ki ek jo woman hai, ek mother hai, unko wahan pe apne ghar mein sari sukh suvidhaye mil rahi hain, to uski wajah se she is happy. But she named this very very famous word as problem with no name. अब वो प्रॉब्लम विद नो नेम क्या है कि जो वुमेन है दे आर डिससैटिस्फाइड विद द डेली ड्रजरी ऑफ हाउसहोल्ड एक्ट. उसको ग्लोरीफाई किया गया है मदरहुड और गुड वाइफ के फॉर्म में थ्रू मीडिया. दैट देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट इवन आइडेंटिफाइड कि वो प्रॉब्लम क्या है. एंड व्हिच इज वेयर शी राइट्स फ्रेटेन एनालाइजेस द एम्प्टीनेस दैट मिडिल क्लास सबर्बन वाइट हेटरोसेक्सुअल हाउसवाइफ एक्सपीरियंस इन देयर डोमेस्टिक लाइफ. फ्रस्ट्रेटेड बेलीगर्ड एंड बोर्ड विद वुमेन टर्न टू adorning themselves, they hope in vain that sex will free them. Friedan calls this frustration a problem that has no name. Friedan also emphasized that women should be freed from oppressive gender roles everywhere in the academy, the forum and the marketplaces. So unka jo gender role unke upar thop diya gaya hai, usse unko azadi honi chahiye. Motherhood should not be a compulsion. Ghar ka kaam should not be a compulsion on a woman. It should be a choice. And it should be fairly divided between other gender also. Now, iske baad unhone, they have established, I'll skip this part, coming to the last part, which is the liberating strategies, which is education and employment. So, is stage pe hum dekhte hain ki strategy, abhi humne discuss kiya first wave, Mary Wollstonecraft, theek hai, unki demand, pehle education, phir uske baad kaise political rights ki baat Harriet ke saath aayi, and then second wave mein we find Betty Friedan, Feminine Mystique, Problem with No Name. उन्होंने उसको और पुश किया और उन्होंने चैलेंज किया कि जो जेंडर रोल है फैमिली में उसको ब्रेक करना है. नाउ स्ट्रैटेजी क्या है लिबरल फेमिनिस्ट अब तक इसकी बात कर रहे हैं कि एजुकेशन देना है, दैट गिव इक्वल एजुकेशन एंड वुमेन विल बी इक्वली रैशनल एज मैन. जैसे एजुकेशन मिल जाएगा दे ऑल्सो बी रैशनल, दे विल बिकम लाइक मैन. द प्रमाइस इज एक्सप्लेन बाई ट्रेडिशनल मॉडर्न लिबरल फेमिनिस्ट. Wollstonecraft forcefully argued against Rousseau's view that women are defective in reasoning. जैसे कि रूसो ने कहा था they are defective and deformed form, they cannot have reason. तो उसको चैलेंज करते हुए एजुकेशन की बात की उन्होंने. एक इंपॉर्टेंट डिबेट है रूसो और Wollstonecraft का जिसके चार पॉइंट्स है. लेट्स रीड दिस फोर पॉइंट्स क्या क्या डिफरेंसेज है उनके. तो पहला Wollstonecraft बोलती है कि was convinced that the women of upper classes in her times were frivolous and vain, not by the nature but because of their socialization. तो जो upper class women हैं which look frivolous, ठीक है, वो बहुत anxious लगेंगी, बहुत frivolous लगेंगी, but it's not कि वो by nature women are, ऐसा बोला था ना कि पता नहीं हमने at least हरियाणा में ऐसा बहुत सुना है कि औरत की बात करो बहुत ज़्यादा weightage देने की ज़रूरत है नहीं, तो बोलती रहती है. उससे क्या होता है ना कि it's very easy because it looks like कि उनके बातों में कोई coherence नहीं है या फिर दे स्पीक अ लॉट. सो ये बायस इज कमिंग फ्रॉम द सेम थिंग कि इट्स बिकॉज द रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड इट्स रिजल्ट ऑफ द प्रेजुडिसेस दैट देयर वॉइसेस देयर वैल्यू देयर थॉट आर रिड्यूस्ड बिकॉज दे आर वुमेन. तो मैंने वही बोली कि इट्स रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन नॉट इनहेरेंटली इन नेचर. सेकेंड शी अफर्म्स दैट वुमेन आर इक्वली केपेबल ऑफ एंड एंटाइटल्ड टू रैशनल एजुकेशन. तो ये भी उनका इक्वल राइट्स है. Because it's a liberal framework, तो वो rights की बात करें कि उनको education का right मिलना चाहिए. तीसरा, the virtue of being a good wife or mother cannot be imposed on women. It must be freely chosen by women.
themselves, and women should be given knowledge and education so that they make rational choice to be good wives and mother. Yahan pe we see that how Mary is also asking for being a good wife and mother, but it should not be imposed. Second, they should be given education, then they can, so that they can become better wives and better mother. तो यहाँ पे एजुकेशन का रोल, we can see that how it is limiting. कि एजुकेशन तो मिलना चाहिए, it's like although making a very simple comparison, कि ये काम करो, लड़की को बीएड करा दो क्योंकि शादी हो जाएगी. क्योंकि करना क्या है, टीचर, प्राइमरी स्कूल की टीचर बन के तो मदर इजियर, मैथ्स कर दिन में जाके स्कूल में पढ़ा लो, शाम को आके घर संभाल लो. तो एजुकेशन भी इस तरह का दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंट ना बने, वो उस स्ट्रक्चर के अंदर ही काम करे. And Mary is also asking the same thing. This is what Gandhi's view on feminism, which one reading we did by Sujata Patel. Gandhi is also asking for women education, but not challenging the role which give them independence and agency. Good mother ban jao, so that you produce good sons, so that the nation becomes strong. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि एजुकेशन को किस तरह से दिया जा रहा है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में. सुजाता पटेल, गांधी एंड वुमेन क्वेश्चन इन पार्टी, वन ऑफ आवर रिकॉर्डिंग्स इज आल्सो देयर ऑन द चैनल, आई विल शेयर इट विद यू. फोर्थ इज, इफ मेन एंड वुमेन आर ऑफ इक्वल वर्थ, दे मस्ट आल्सो हैव इक्वल राइट्स. वॉलस्टोनक्राफ्ट एडवोकेटेड पॉलिटिकल लिबरलिज्म दैट कैंपेन फॉर वुमेन सफरेज एंड लीगल राइट्स एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड पेड एम्प्लॉयमेंट विद मेन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वुमेन को मेन की बराबरी की कोशिश करने के लिए बोला जा रहा है. क्या आप एजुकेशन में तो आप उनके बराबर हो जाओ, बट नोबडी इज क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ मेन पर से. यहाँ पे पेट्रियार्की की बात नहीं है, ना स्ट्रक्चर्स की बात है. एंड लेट्स नॉट बी टू क्रिटिकल ऑफ दिस, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू प्लेस इट इन अ कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. एनीबडी वॉन्ट्स टू एड और मेक ए पॉइंट एट दिस स्टेज बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट सेक्शन. So this is first wave. So liberal feminists, the demand for equal rights for voting, reproduction, abortion, child care, reacted against sexual harassment. So critique kya tha? Next is the critique. Can we think of any critique before we read this? Otherwise this will look like a classroom session. Lectures are again. Kya ho sakta hai jatal critique liberal framework ka? इन जनरल भी लिबरलिज्म का अपने क्रिटिक है. एंड वी कैन टेक अ हिंट फ्रॉम द बोर्ड बिकॉज देयर इज अ सीरीज. लिबरलिज्म के बाद मार्क्सिज्म आ रहा है, देन रेडिकल आ रहा है, देन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आ रहा है, एंड देन पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट आ रहा है. सो देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ थॉट. बट व्हाट विल लिबरल बी क्रिटिसाइज्ड, लिबरल फेमिनिस्ट बी क्रिटिसाइज्ड एट दिस स्टेज? आई थिंक द नंबर ऑफ टेक्स्ट वी डिस्कस्ड अप टिल नाउ, दे आर फोकस्ड प्रेडोमिनेंटली ऑन वाइट वुमेन. Absolutely, yeah. तो अभी तक जिसकी बात करें, nobody is talking about black women or Indian women, Dalit women. एक तो women as a category is very homogeneous, है ना? That's very very important critique. Yes, next. और कुछ हो सकता है? Liberal framework का अपना ये critique है. तो ये rights की बातें करते हैं. या फिर यहाँ पे women को हम क्या, कौन से rights? Education की rights देने की बात कर रहे हैं? क्या हो सकता है? और ये पढ़ना पड़ेगा, आता है कि बात जितने वर्ड्स यूज हैं वो सारे पर्सपेक्टिव क्रिटिक करते हैं लिबरल को. एग्जैक्टली, मार्क्सिस्ट का अलग क्रिटिक होगा. एग्जैक्टली, इकोनॉमिक डोमेन में रेडिकल का, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर स्टैंड है लिए, डिफरेंसेस ब्लाइंड है वो. हां, सोशलिस्ट का अलग होगा. राइट राइट. सो ऑल ऑफ इट टेक्स द मैन एज द सेंटर, एज इन व्हाटएवर द मैन हैज द वुमन एस्पायर्स टू रीच द सेम लेवल. एग्जैक्टली, सो स्टैंडर्ड्स आर स्टिल मेन. ठीक है, सो दैट विल बी क्वेश्चन लेटर व्हेन रेडिकल विल कम. एक और था जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक है कि अभी तक सब कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. मार्क्सिस्ट विल कम, दे फर्स्ट क्रिटिक द कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो, कि ठीक है प्रॉफिट ओरिएंटेड जो आपका स्टेट और इकोनॉमी जैसे काम, क्योंकि लिबरल स्टेट काम कैसे करता है, इट्स अ लेजर फेयर स्टेट, वो मार्केट को ही प्रमोट करेगा, कॉम्पिटिशन ही प्रमोट करेगा, प्रॉपर्टी में डिविजन ही आएगा, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट बिकम्स द सेंटर ऑफ योर इकोनॉमिक्स. मार्क्सिस्ट तो उसी को क्रिटिसाइज करेंगे. ठीक है, तो वहाँ पे वी ऑल्सो हैव टू सी कि व्हाट इज द वुमेन क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फेमिनिस्ट कम्स इन दैट स्टेज. स्टेट का अपने आप पे यहाँ पे देखा जाता है कि स्टेट का, स्टेट जो है ना वो बायस्ड है, स्टेट इज नॉट फेयर. ऐसा बोला गया ना कि स्टेट एम्पायर है, बट नहीं, स्टेट इज, स्टेट क्या बोलते उसको, नेक्सस है कैपिटलिस्ट के साथ, जो हम आज ही बात करते हैं कि अडानी और गवर्नमेंट
ज़्यादा अलग है नहीं. पॉलिसीज सोशल सोशल ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, सोशल ग्रुप्स की प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं कॉर्पोरेट्स, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज को. इसी के साथ क्रिटिक तो आता है, इट डिड नॉट अकर टू देम टू क्वेश्चन द वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेल एट्रीब्यूट्स विच यू सेड, कि मेल एट्रीब्यूट्स को क्वेश्चन किए नहीं उन्होंने. दिस एरोनियस अजम्पशन दैट वुमेन कैन बिकम लाइक मैन इफ दे सेट देयर माइंड ऑन इट. द मोस्ट वुमेन वॉन्ट टू बिकम लाइक मैन एंड दैट ऑल वुमेन शुड एस्पायर टू मैस्कुलिन वैल्यूज. द लिबरल फेमिनिस्ट वर्क फॉर वुमेन इक्वालिटी विदाउट aiming at the changing the structures of existing institutions. तो उसको लेकर उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया. लेट्स मूव अहेड यहाँ पे. ठीक है, तो दो तीन इम्पॉर्टेंट नाम हो गए, वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड बेटी फ्रेडलिन. यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसमें चेक योर प्रोग्रेस में उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ लिखा. लेट्स ट्राई टू रीड दैट पार्ट ऑल्सो. कैन यू फाइंड एनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड लिबरल फेमिनिस्ट मेंशन्ड अबव? Think about the paradox. Even highly educated women in India are sometimes placed in a situation where they must confine themselves to certain expected and traditional roles. Jokey well-educated working women, but they are still expected to do certain traditional roles fixed by society, which are like mothering, ठीक है, double burden, which we call double burden in family का. फिर जो त्योहार तीज त्योहार होंगे उनपे करवा चौथ, ठीक है, फिर जो कुल देवता है तो उनके मंदिरों में जाके चढ़ाना, ट्रांसलोकेशन हो शादी के बाद माइग्रेट करना ही एक ट्रेडिशनल रोल है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स ना मिलना एक ऐसा रोल है. तो वो ट्रेडिशनल रोल क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं. डिस्पाइट वांटिंग टू यूज देयर एजुकेशन टू कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे टू सोसाइटी, दे मे नॉट बी एबल टू डू सो. इन एजुकेशन देन अ नेगेटिव इज एजुकेशन देन अ नेगेटिव कैपेबिलिटी. ये एजुकेशन की मीनिंग को क्वेश्चन करेंगे, क्या फायदा है इस एजुकेशन का जो ट्रेडिशनल रोल को ही चैलेंज नहीं कर पा रहा है. आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट स्टेटस ऑफ सोशल इक्वालिटी कास्ट क्रीड रिलीजन लैंग्वेज एंड सेक्सेस एज इंस्ट्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कैन वी से दैट देयर इज ओनली फॉर्मल इक्वालिटी एंड नो सब्सटेंशियल इक्वालिटी? फेमिनिज्म सर्च फॉर इक्विटी स्टेप बाय स्टेप इन ह्यूमन हिस्ट्री. सो दिस इज व्हाट एक इंडियन फेमिनिज्म में भी डिबेट है, क्योंकि जब इंडियन फेमिनिज्म की बात करी तो उसमें अपर कास्ट वुमेन टुक द स्पेस एंड दे टॉक ऑफ इक्वालिटी एंड सॉलिडारिटी बिटवीन वुमेन. But when there is a difference between how oppression is faced by a Dalit woman than by upper caste woman. So this is a debate which will come later. But at this stage, what we see is the upper caste Indian feminists are talking like the first wave feminist. कि उनको equality के rights दे दो, उनको पढ़ा दो. But क्या पढ़ा रहे हैं? उस पढ़ाई का क्या impact हो रहा है? वो question नहीं कर पाए अभी तक. Let's move to second stage, which is Marxist feminist. हाँ, तो जैसे हमने देखा कि लिबरलिज्म में रैशनैलिटी वॉज द एसेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मार्क्सिस्ट डिनाइज रैशनैलिटी एज द एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर. रैदर उन्होंने अपनी ही थ्योरी दी है विच इज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. इंपॉर्टेंट नाम कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. इसने मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बिलीव दैट वुमेन आर ओप्रेस्ड बाय कैपिटलिज्म. यहाँ पे वो मानते हैं कि कैपिटलिज्म इज द कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन एंड दैट जेंडर इनइक्वालिटी विल डिसअपियर when the capitalism is replaced by socialism and classless society. तो जब वो बोलते हैं कि classless society बन जाएगी, capitalism खत्म हो जाएगा, तो women question भी खत्म हो जाएगा. Women are because of capitalist industrialist society, women are oppressed. Historical materialism, somebody wants to contribute to this idea. क्या है historical materialism to simplify? Marxist कैसे critique करते हैं capitalist को? Basically, idea of material conception of history, how the production of commodities and what commodities happens through the ancient era, ancient what called ancient communism, mm-hmm. primitive communism. Through the capitalism. He mm-hmm. in that theory he proposed there are five stages, mm-hmm. who are the basically socialism and communism and futuristics and the three R's: feudal and then capitalist. Ancient, first ancient primitive, in which they say it's a community mm-hmm. idea where the resources allocation done by based on egalitarian okay. idea. Okay. Then comes after it's a slavery, where the we can see this era in the Egypt where the survey used to force to do gold pyramids mm-hmm. and all, even in India. Right. Then third one is feudal unlords in basically Europe.
and in our traditional 16th to 18th century, where the feudals has the ownership over the lands and on, there were the tenants who work for the feudals, and then the capitalist workers and the bourgeois, and so, then socialism. Yeah, yeah. So this is what his understanding of history is. History has always been struggle between haves and have-nots, ठीक है? और haves and have-nots आपको history में देख लो, चलते आ रहे हैं हमेशा से. और इस struggle को खत्म करना है, तो have-nots should come together, all the workers of the world unite, so that we can throw away the chain and overturn the structure. उसके बाद अपने आप classless society बन जाएगी, which is communist utopia. Yeah, this idea historical materialism. If you read the Friedrich Engels books, in which 1884, the origin of private property, states and family. In which say that it said the feminism waves emerged from that book only. He talked about the how the women is suppressed in context of production of resources or production of commodities. All this in primitive feminism, he gave the three kinds of stages: the barbarism, the savage, and the civilized society. In all three stages, barbarism, savage and civilized. These in stages, only the man are the producer. Means the man used to do only strong works like the hunting, then the searching for food in deep forest. But in context of women's used to compel only care and rear to their children to feed and collect the fruits and vegetables. So what happened in this course, okay, ultimately men gets overpower on women. Means they used to consider as a strong masculines. This idea of masculinity come from only that stages. Right. He says that in that book. Right. So how, and from that time, it's due to production. See, in our society, in any society, who produce mainly? The men. The production, the center of production is men, and the woman is just consumer. So ultimately, those who produce, the ultimate thing, he is a stronger, masculine, who is a savior. So this kind of notion comes only through this idea. कि मैन विल बी फीड अदर्स. हम जब लिटरली बात करते हैं सेंस में कि व्हाट योर फादर्स डू, हम कहते हैं कि ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग और ही हैज अ जॉब, बट मदर्स हाउस वाइफ. व्हाई वी नॉट गिव आवर मदर इक्वल व्हाट रिस्पेक्ट और शेयर कि वो कर रही है. कि शी इज ऑल्सो वर्किंग नॉन पेड लेबर. दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो कम फ्रॉम दैट बुक ओनली. सो आई सजेस्ट आफ्टर दिस रीडिंग यू शुड रीड दैट बुक. Yeah. The Origin of Family, State and Private Property by Friedrich Engels. Yes. It's an important book. And he has beautifully put it. And just to add, abhi Indian Express mein almost 1 mahine pehle ek article aaya tha jisme unhone mention kiya tha, they have found proof of women being the hunter. Yeah. So it's like पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो भी हिस्टोरियंस थे, सो इफ यू लुक फॉर प्रूफ फॉर मेल हंटिंग यू विल फाइंड मेल प्रूफ. इट्स लाइक सेइंग कि होता है ना कि हेट्रोनॉर्मेटिविटी कैसे आती है कि देखो स्पीशीज में हमेशा मेल और फीमेल दो ही तो होते हैं जिनके बीच में इंटरकोर्स होता है, प्रोड्यूस होता है. बट इफ यू क्लोजली लुक इन टू द स्पीशीज यू विल फाइंड देयर वाइड रेंज ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स टेकिंग प्लेस डिफरेंट वेराइटीज. ठीक है, तो ये द वे वी द बायसेस विद विच वी लुक इवन आवर इकोलॉजी वहीं से आता है. तो इस तरह से वी हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ वुमेन हंटर्स. सो दिस ओवरटर्न्स द असम्पशन दैट हाँ पहले सोसाइटी में प्राइमिटिव सोसाइटी में मैन वाज द हंटर बिकॉज़ ऑफ फिजिकली स्ट्रॉंगर. दिस इज जस्टिफिकेशन फॉर रीगेनिंग पावर इन द प्रेजेंट टाइम बाय यूजिंग दैट थ्योरी. सो या समथिंग लाइक दैट. But she talks about how there were a lot of women, black women, who were revolting in those ships. Right. And most of the history only talks about black men who would fight. See. Yeah. So there's a lot of how history shapes our yes. How it invisibilizes and completely marginalizes their voices. It's a very interesting view. So moving ahead, what is historical materialism we have covered? And on the whole, I'm reading from the first paragraph. On the whole, the modes of production consist of social, political, intellectual life process in general. Marx criticized capitalism as he felt that in this contemporary social structure, the necessity of survival and class domination deters human
फ्रीडम एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कंपल्शन है, एक एलिनेशन हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट एलिनेशन के बाद आप खुद से एलिनेट हो जाते हो, तो रियल फ्रीडम वो नहीं है। रियल फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू मार्क्सिस्ट इज अ सोशल अचीवमेंट, इंडिविजुअल से दूर हटके वो सोशल फ्रीडम की बात कर रहा है, दैट यू फाइंड इन कम्युनिटी, इन सॉलिडारिटी विद द ग्रुप। द बुक नेक्स्ट ही मेंशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी इन स्टेट बाय एंगल, दिस वन टॉक्स ऑफ अगेन हाउ प्रॉपर्टी लेड टू सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। Moving ahead, production and reproduction. The production and the reproduction immediate. So the traditional work area of women is defined as reproduction. जो इन्होंने बात करी थी कि household work, the traditional work area of women is defined as reproduction. In capitalist society, the economic relations as such that the social tasks involved with reproduction, such as child rearing, caring the sick and the aged, cooking, cleaning and other forms of household work are considered economically cheap and unprofitable. Correspondingly, women as a performer of unprofitable tasks are also undermined in their value and contribution. So, kis tarah se care economy ko unse expect kiya jata hai in the name of motherhood and good wife, ki wo ye labor provide kare, because it reduces the overall cost of the economy. Theek hai? A lot of feminists talk of bringing care economy को mainstream economy में लाया जाए, और हम अपने अपने level पे जानते हैं कि जिस दिन घर में अगर भाई काम करने आती है, या फिर घर में अगर मम्मी खाना नहीं बनाती है, तो एक time की meal की क्या कीमत होती है, या फिर वो एक laundry की क्या कीमत। So it's not like we don't know the price, उस पर tag लगाया जा सकता है कि कितना economically savings होती है just because somebody is working for us in the family. Which is what the feminists try to bring in through care economy. Now, family and mother rights की बात करते हैं, उसी किताब में The Origin of Family, Private Property and State में, he uses the anthropological work of Lewis Morgan in formulating his theory of family. Morgan distinguishes two historical periods prior to civilization, savagery and barbarism, which is like a hunting state. इसके through ही, through private property, women का subordination हुआ है, this is what he argues. The acquisition of new wealth led by men's position becoming higher than women. Men wanted to pass their property on to their children. Mother rights was overthrown. So property क्या आती है, property को rights देना है, तो property right वो आज भी हम देखते हैं कि वो बेटों के पास ही जाता है, मुश्किल से 4-5% इंडिया में है property rights. If I'm not wrong, तो maximum 10% तो कमी है, but जो property rights इंडिया में women के पास है. So property rights become central to the question of women equality. Engels strongly comment the origin that the overthrow of mother rights was the world historical defeat of female sex. तो ये जो moment history में उन्होंने trace किया है कि जब property के rights, जो women के rights हैं, they were overthrown, that was the historical defeat of the female sex. The traditional inheritance from the father to his children was ensured through strict monogamy. This is where we trace The origins of monogamy and property rights. Monogamy के बारे में बात करते हैं, Engel argues that the prostitution, adultery and gender subordination are the outcome of monogamy. Marriage itself became a cross form of prostitution for women. यहाँ पे उन्होंने comparison किया है married women और एक prostitution के बीच में. According to Engel, the only difference between a married woman and a prostitute is that the former does not sell her body piecemeal like a courtesan, but sells it once for all into the slavery. Does the woman historically become a mere commodity, a possession of her husband, and an instrument of production of children? In the middle class capitalist family, the woman was forced to sell her sexuality, sexually brought down to a position of powerlessness. Engel holds that within the family, the men represent the bourgeois and the family represents the proletariat. तो ये Marxist break of family का है कि जैसे कि बाहर फैक्ट्री में एक फैक्ट्री ओनर होता है और एक वर्कर होता है, उनके बीच में पावर डिफरेंस होता है, ऐसे ही फैमिली में जो ओनर है प्रॉपर्टी राइट्स का, वो फादर है या उसके बाद उसका सन है, और जो वुमेन है वो एक लेबरर है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एक प्रोस्टिट्यूशन में, प्रोस्टिट्यूट में और एक एक वाइफ में। एक रोज अपना शरीर बेचती है लेबर के थ्रू कमाने के लिए, एक शादी के उस मंडप में, शादी के उस रिचुअल के थ्रू एक बार बेच देती है, फिर उसको सेक्सुअल लेबर उसको प्रोवाइड करना है जिंदगी भर, बिकॉज वो वाइफ के रोल में या फिर मदर के रोल में। दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज। एट दिस पॉइंट आई विल पॉज, लाइक जस्ट टू
make a sense of whether we are on the same page or just add karna hai. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वी अंडरस्टैंड फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. मार्क्स लेबर की बात करता है, लेबर क्लास की बात करता है. तो यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन क्या है, इन द इट्स नेचुरल बिकॉज इट्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड. मार्क्स एंड एंगल स्टेट्स दैट द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर ओरिजिनेट्स इन द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेक्सुअल एक्ट. इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ एज एंड सेक्सुअल डिटरमाइंस नेचुरली डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ लेबर. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है नेचुरल है कि घर में जो बहन है वही काम करके वही रोटी बना के भाई को, और साफ सफाई तो वही करेगी, भाई तो नहीं कर सकता, वो रोटी नहीं बना सकता. तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वहां से आता है. द फाइनल कंक्लूजन मे बी दस दैट डिस्पाइट मार्क्सियन एडवोकेसी ऑफ वुमेन टू पब्लिक इंडस्ट्री देयर इज अ सजेशन दैट देयर कुड नेवर बी अ कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. दिस इज व्हाट लिमिटेशन इज कि मार्क्स थ्योरी भी कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात नहीं करते हैं, either in the family or in the workplace or in bed. True gender difference would be muted under socialism. A psychological equality between men and women would be impossible. जब तक ये gender difference जो है ना वो खत्म नहीं होंगे तब तक एक equality between men and women is not possible because there is always be sexual division of labor. Sexual division of labor इसी चीज से आता है कि just because it is considered one is biologically different from the other, तो उसको social roles इस तरह से दिए कि उसको उस तरह का labor करना ही करना, उसे expected roles है. To be a girl, to be a woman is different from to be a boy or a man. और इसके through वो सारा socialization के through differences आते हैं. Application of Marxian liberating strategies. अभी तो इनकी क्या-क्या strategies रही हैं, liberating strategies क्या है? Marxists believe that the abolition of private property will end sexual oppression. तो उनका analysis भी यही था और उनका सोल्यूशन भी यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दो एंड द इकोनॉमिक सुप्रीमेसी विल डिसअपीयर फॉर इटसेल्फ. जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी डिसॉल्व हो जाएगी द वुमेन क्वेश्चन विल बी रिजॉल्व्ड. एंगल टॉक्स अबाउट टू ब्रिंग द होल फीमेल सेक्स बैक इनटू पब्लिक इंडस्ट्री एंड कलेक्टिवाइज हाउस होल्ड एंड चाइल्ड केयर. द सेकेंड कंडीशन ऑफ लिबरेशन इज द सोशल रेवोल्यूशन विच एंगल होप वुड अकर सून. ये उस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू लिबरेशन ऑफ वुमेन विल टेक प्लेस. यहाँ पे एक और नाम इम्पॉर्टेंट है विच इज शेरिन गटल इन हर वर्क मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म. दे टॉक्स दैट वुमेन डू एज अ हाउसहोल्ड इज आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमी. जो फॉर्मल इकोनॉमी में तो वुमेन का काम फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर है. जॉब परफॉर्म आउटसाइड द होम आर वैल्यूड एज. जो बाहर जिन्होंने बात की जो बाहर का काम है वो प्रोडक्टिव है उसको वैल्यू दी जाती है क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और जो घर का काम है वो अनप्रोडक्टिव कंसिडर किया था. दिस अ टर्म फॉर दिस कॉल्ड डबल सबॉर्डिनेशन. बेसिकली वुमेन का काम जो है वो डबल सबॉर्डिनेशन का है. ठीक है, यहाँ पे दे आर कैरिड ऑन विद द मार्क्स डिस्टिंक्शन ऑफ यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. तो शी मेंशन दैट द वुमेन एज ए ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंपल यूज वैल्यू एसोसिएटेड विद होम्स एंड फैमिलीज. तो जो वुमेन का लेबर है इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द एक्सचेंज वैल्यू जिसकी वजह से प्रोडक्ट में प्रॉफिट ऐड होता दिखाई दे. अगर पति बाहर जाके काम कर रहा है और किसी फैक्ट्री में जाके कुछ सामान बना रहा है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू उसके अंदर जो वुमेन ने काम किया है जिसने उसके कपड़े प्रेस करे उसको खाना बना के भेजा ऑफिस तक उसके काम की वैल्यू इनविजिबलाइज है. ठीक है, वो यूज वैल्यू कंसिडर ही नहीं किया गया. अदरवाइज वो प्रोडक्ट की कॉस्ट और बढ़ जाएगी और वो मार्केट में अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा और पूरी की पूरी इकॉनमी इट विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट. अगर हम केयर इकॉनमी उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो वुमेन का लेबर है उसकी भी कॉस्ट ऐड कर दें. So we have to consider this is how Marxists are reading. Now we move ahead. इसमें इन्होंने Benston argued कि women labor is useful in two ways. जो women के labor उनको कैसे कैसे काम helpful करता है. First is it fulfills the need of closeness, community and warm, secure relationship and stabilize the entire economy. तो पूरी की पूरी economy को stabilize कैसे करता है क्योंकि जब पति बाहर काम करके घर लौटता है रात को वापस तो उसको closeness, उसको warm, उसको कम्युनिटी फीलिंग, उसको आराम देना इट्स अ रोल ऑफ अ वुमेन. सेकंड, इट सर्व्स टू मेक वुमेन व्हाट मार्क्स वुड कंसीडर वुड कॉल एज अ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर. वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है कि जब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्पेसिफिकली जब आदमी लोग लड़ाई के लिए चले गए थे तो वुमेन फोर्स केम इट सर्व्ड एज अ चीप लेबर ऑल्सो. तो ये इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ट्रांजिएंट इकोनॉमी इन कैपिटलिज्म. सो दिस इज व्हाट हाउ मार्क्सिस्ट हैव सीन वुमेन एज अ कैटेगरी. क्रिटिक क्या हो सकता है इसका,
बिफोर वी रीड दो तीन लाइन का क्रिटिक है, बट व्हाट कुड बी इन जनरल क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट? Absolutely. So we see how Marxists are considering one category, class. ठीक है, सिर्फ class की बात कर रहे हैं और कैसे compare कर दिया labor class को, bourgeois को, women in the family. तो considering this a homogeneous class, labor तो फिर भी office में काम करते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, women के groups कहाँ हैं जहाँ पे उनको लगे कि there is a solidarity feeling women में, वो तो नहीं है ना. So putting it under one class. और कुछ? ठीक है, I'll just read this part. It has been argued by the critic of Marxism that Marx categories are sex blind. It explains how capitalism separated the homestead from the workplace. So there's a distinction between homestead from the workplace. They failed to explain why capitalism assigned homestead to women and workplace to men. ये तो बताया ही नहीं कि capitalism ने, Marx ने तो बताया नहीं कि women कैसे जो मैन की स्पेस जो है वो पब्लिक स्पेस बन गई और वुमेन की स्पेस जो है हाउस होल्ड बन गई. तो इट्स नॉट गिविंग द एनालिसिस ऑफ दैट. एंगल ऑल्सो अज्यूम्स दैट फैमिली पैटर्न हैव बीन यूनिवर्सल इन ऑल सोसाइटीज. तो जो वो अज्यूम कर रहा है फैमिली का जो स्ट्रक्चर है इट्स नॉट यूनिवर्सल बिकॉज द क्लेम्स दैट देर आर सेक्सुअल इक्वालिटी इन प्रिमिटिव सोसाइटीज इज ऑल्सो ड्यूबियस. एंगल्स व्यू ऑन द अर्ली मैन्स डिजायर टू लीव हिज प्रॉपर्टी टू हिज हेयर हैव चैलेंज्ड. For it is likely that women were the first cultivator and provided the surplus value. So the way he is reading primitive society is also challenged. जो हमने बात की कि कैसे women को नहीं देखा गया है as a value provider, surplus value provider in the history. So his reading of history is also very biased. और ये कैसे assume कर लिया कि early man के अंदर desire थी property को transfer करने की. So these are something which are cannot be factually established. तो यहाँ पे we see they also said the socialist society, housework and child care should be collectivized. But they ये बात तो कर रहे हैं कि हम लोग को collectivized household करना चाहिए, child care करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कोई roadmap नहीं बता रहे. They have not mentioned who should be doing this household care. Men करेंगे कि नहीं करेंगे या women ही करेगी दोबारा से, ठीक है. जब communist utopia बन जाएगा वो बनने के बाद कौन करेगा sexual division of labor? उस time पे काम कौन करेगा, ठीक है. क्या आदमी child care करेंगे? करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके बारे में बात नहीं किए. तो ही हैज आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द सेक्सुअल ऑपरेशन ऑफ वुमेन वर्कर एंड मेल डोमिनेंस इन वर्कप्लेस. तो जब वुमेन पब्लिक स्पेस में आती भी है, जब वो एज ए लेबर काम भी कर रही है एंड दे आर यू नो कॉमरेड इन फैक्ट्री एज लेबर, उसके बीच में जो उनके बीच में सेक्सुअल ऑपरेशन हो रहा है, हाउ मैन इज एक्सरसाइजिंग पावर ओवर फीमेल द वुमेन कलीग, उस पर उन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया. उसकी तो सेक्सुअल ऑपरेशन, सेक्सुअल वायलेंस की तो बात ही नहीं की है. So this is where we get rise to our next school of thought, which is about radical feminism. तो यहाँ पे एक word आता है radical. तो क्या क्या एक assumption हमारी, जैसे पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि radical क्या हो सकता है, radical feminist? They are also responsible for at least media have picked up radical feminism as a way of demeaning feminism altogether. तो कभी भी आप बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि I'm not a feminist, I believe in gender equality. तो उसका trace back यहीं से कि radical feminism के अंदर कुछ ऐसा है जिसको टारगेट बहुत इजीली किया जा सकता है. सेंस ऑफ सबवर्जन. सो व्हेन यू से सबवर्जन, सबवर्टिंग लाइक होम एंड स्टेटस को. ओके, सो दे आर चैलेंजिंग द स्टेटस को. ओके, यस, दे आर चैलेंजिंग द स्टेटस को. व्हाट मेड देम रैडिकल? व्हाट इज दिस रैडिकल वर्ड व्हिच इज इट्स क्रिएटेड लॉट ऑफ एंजाइटी एंड अमंग. इससे पहले भी चैलेंज किया ना, मार्क्सिस्ट हैव चैलेंज द स्टेटस को आल्सो, लिबरलिस्ट हैव आल्सो चैलेंज द स्टेटस को, बट देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट रैडिकल्स. Something like it's they are not ready to, who are not ready to compromise, they are very strict to like what we want. Exactly. So they talk of sexual revolution. They are the one who jo liberalist ne chhoda tha na framework of male dominance, that male will define standards jo set kiye the first, ki women have to achieve male standards. They came and they said no, we don't want male standards. We have our own standards. We will define our own standard. You don't tell us how to be a woman. You don't control our sexuality. So radical in that sense that sexuality comes to forefront. इससे पहले क्या हुआ? Education आया, ठीक है, उसके बाद class rights, labor rights आए. Now sexual identity is
taken further as a challenge to status quo, like which you mentioned. So let's read. In the 20th century, we find this rise of radical feminism. The female body, sex, so sexual violence become important. Reproduction are brought into the focus for frank and in-depth analysis. Radical feminism can easily be construed if one does not understand the basic concept and significance of these concepts. So 1960, we see that there's a rise in the college-educated middle-class women and some new lefties. So this is also the time when West is struggling with Vietnam War. So left ka bahut rise tha wahan pe student politics ka. The term radical, and this is important, the term radical refers to the roots. Radical refers to the roots and therefore implies going to the roots. Radical feminists claim that roots of all form of oppression is the oppression of women. So jitna bhi oppression hai, jo bhi oppression hai world mein, uska jo roots hai, wo oppression of women hai. If you look at caste-based, if you look at race-based, if you look at gender-based, if you look at religion-based, sabka jo roots hai, it is connected to oppression of women. It includes the following meaning, that historically, women were the first oppressed group. That women oppression is international, that the women oppression is the hardest form of oppression to eradicate, that enormous suffering results from women, and that the women's oppression provides a conceptual model for understanding all forms of oppression. So this gives us a lens to look at all the oppressions in the world through a gender perspective, which is radical feminists are inviting us to look at. According to radical feminists, the social structures that most oppressed women is called patriarchy. So this is the first time we hear the word patriarchy. So it's a product of third wave feminism. It's a product of radical feminism. क्योंकि इससे पहले standards को कोई question नहीं करता, roots को कोई question नहीं करता. Now we see patriarchy. Very simple. Patriarchy is a term which is mean by rule by father. Patriarch जो होता है घर पे, वो हम जानते हैं हमारे घर में father ही होते हैं. Radical feminists uses the term patriarchy to address moving beyond autonomous social, historical and political forces, a sexual system of power in which male possesses the superpower and economic privilege. Usko question kehte hai. Patriarchy refers to all system of male dominance and appears to be everywhere. And this is where this patriarchy is taken in with market, it becomes capitalistic patriarchy. When it mixes with Brahmanism, it becomes Brahminical patriarchy. But this remains the underlying root. Sex and class, यहाँ पे हाँ ये important third जो ये नाम important है Firestone का. Firestone is an important person जिनका contribution है third wave of feminism है, which उनका काम था the dialectics of sex. Unlike यहाँ पे वो criticize करेंगे liberal and Marxist को. Unlike liberal and Marxist, radical feminists pay the attention to the way in which men controls reproduction. In other words, women body. Women की sexuality को कैसे, उनकी body को कैसे men control करते हैं, that becomes the center of question. The control of men over women may be in the varied form. Restrictive contraceptions, sterilization, abortion laws, pornography and other kind of violence against women. When a person is deprived power over her own body, it's a deprivation of her humanity. Moreover, men constructs the woman's sexuality not for women's need, but for their own interest. So yahan pe they have shown that how radical feminists are different. Reproduction, so Firestone is influenced by Marxist. Unlike the Marxist, how is her work is different? She argues in the relationship of reproduction, not those of production, forms the basis of society. Hence, she redefined historical materialism of Engels by replacing materialism of sex. यहाँ पे वी फाइंड अ शिफ्ट, क्योंकि एंगल के वर्क में वी फाइंड दैट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म टॉक्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्लास. यहाँ पे दे आर टॉकिंग ऑफ सेक्स वॉर्स, द डिविजन बिटवीन द सेक्सेस एंड हाउ इज द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स. देख बाकी सारे ऑपरेशन उसके ऊपर आते हैं, इकोनॉमिक क्लास और बायोलॉजिकल क्लास से अलग. सो देयर इज अ रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द बेसिस. द रेडिकल फेमिनिस्ट अगर जब रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन करेंगे तो दे विल आल्सो क्वेश्चन द रोल ऑफ मदरहुड, विल आल्सो क्वेश्चन द रोल ऑफ मैरिज, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो कहां से रहा है, मैरिज के थ्रू हो रहा है, तो उसको क्वेश्चन करेंगे. रेडिकल फेमिनिस्ट कंक्लूड दैट द रूट्स ऑफ वुमेन ऑपरेशन इज बायोलॉजिकल एंड देयरफॉर वुमेन्स
लिबरेशन रिक्वायर्स अ बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन. इन्होंने क्या इंक्लूड किया, क्योंकि भाई वुमेन बर्थ तो कौन देगा, बर्थ तो वुमेन ही देगी ना, तो देयर बॉडी इज डिजाइंड फॉर रिप्रोडक्शन. सो द रूट कॉज ऑफ ऑपरेशन इज बिकॉज दे हैव टू बिकम मदर, सो देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग, सो दे हैव टू मैरी, कोई चॉइस तो है नहीं, प्रोडक्शन तो करना ही है, तो दैट इज द कॉज ऑफ ऑपरेशन. And it's just not like limited to like just delivering a baby. After like delivering 6 months, like she have to continuously give care, and the entire day like she have to sit with absolutely, baby. Absolutely. But one of my friend questioned this like when we are talking about feminism, he asked like it's a very natural thing, like someone other can't replace that 6 month care that kid can only get from mother only. Then how you can like replace this? This is a notion. It is a mental construction which made by the society, conservative, patriarchal. If you see, there are many tribals in. I'm studying sociology. Sociology. There are the many African tribals. Then the there is a place Iceland, Geneva, Pipiagone Jinas like that. So there are in that place, the tribal the community, the rearing and caring of children done by the only the male parents, not the female parents, and females goes to the hunting and all things. So it is a mental construction made by the patriarchal man. In our Hindu text or Hindu society always says women made for only caring and rearing. वो सिर्फ चूल्हा और ये उसके चिल्ड्रंस को ही संभालेगी. दिस इज द कंस्ट्रक्शन आल्सो डन बाय द वेस्टर्न सोसाइटी. सो देयर इज अ नथिंग लाइक इन द हेरिडिटी ऑफ वुमेन कि दे आर मेड फॉर द ओनली चाइल्ड केयरिंग एंड रेयरिंग. इफ यू सी अवर हिस्ट्री लाइक इफ यू हर्ड द नेम ऑफ कॉम्रेड शरद पाटिल, आई रेड हिज बुक भारतीय विवाह संस्था इतिहास, इट इज इन मराठी. सो इन विच ही टॉक अबाउट द हाउ फीमेल्स वेयर रेडिकल्स इन प्रिमिटिव एज. Even the farming started by the females only. Hunting started by the females. So it's just mental construction that they are made for raiding and caring. And so this notion continuity only caused to the exploitation or oppression of women. But if you have to look for example, like agar aaj ki time pe world mein, see one thing is fixed ki child produce to women hi karegi. That 9 month period delivery will come from women, but what happens after that? Do we have examples in the world jahan pe can we see it's not a burden, it's taken care of, nobody has to leave a job, nobody has to quit a job because one has to make a hard choice between the mother care and there's a guilt also associated ki wo to bacche ka dhyan nahi, the guilt. So there are societies, there are countries like Sweden जिन पे यू हैव पैटर्नल क्या कहते हैं लीव, हाँ लाइक मैटरनिटी पैटर्निटी लीव. सो इफ स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन इन अ वे दैट इट इज नॉट अ बर्डन बिकॉज अ चाइल्ड इज नॉट अ कपल्स चाइल्ड, इट्स अ सिटीजन, इट्स अ ह्यूमैनिटीज एसेट. सो देन द कम्युनिटी हैज टू टेक केयर ऑफ इट, इफ नॉट कम्युनिटी स्टेट हैज टू टेक केयर ऑफ इट. स्टेट हैज टू इंश्योर कि वो मैकेनिज्म ऐसा हो फॉर्मल थ्रू डिफरेंट इंसेंटिव्स इट कैन बी डन. But just not done. It's easy to put on women and then she has to do it. इसीलिए ऐसा लगता है कि there's a guilt associated to it. And there are many examples. The children raised by the only single parent who is a man in our society. Since his birth, like most of the times in tribal society, after a delivering boy, mothers get died because of maybe she has lack of nutrition. That's why. In that society, the man raises children. But if you have the milk and the nutrition available through different sources, तो वो भी हो सकता है. And this is a lot reinforced in the healthcare settings. Like the doctors will talk to only the mother that this has to be done, this has to be done. How to give care. Right. Father is nowhere in the picture. Yeah. And even like small born babies born small, they need like there's this kangaroo mother care that they give. Where the baby is put inside the cloth of the mother so that warmth is there. Right. But there are instances where it's done by father. But it's termed kangaroo mother care. Right. Where it's just
body warm, but it has to be given by mother. And these notions leads to the creation of sexual division of labor. Like we see the other pink collar jobs. In teaching staff, the male ratio is more. Then the nursing staff, male ratio is more. Then the caring, there are the kindergarten where only the females get more vacancies and all. Also, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the state afford that? Is the maternity leave taken? Exactly. So, can the
फिर देन जो ऐसे आदमी घर पे काम करते हैं मतलब ऐसा कितने ड्यूरेशन का यू नो हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे रेडिकल फेमिनिस्ट है ना, इसलिए उनको बैश मीडिया ने, मीडिया उनको ऐसा दिखाया था वेस्ट में एटलीस्ट कि दीज आर द वन हु आर अगेंस्ट मैरिज, दे आर अगेंस्ट फैमिली, ये तो घर तोड़ने वाली औरतें हैं. तो रेडिकल फेमिनिज्म, दैट्स व्हाई पीपल स्टिल डोंट वांट टू क्लेम एज फेमिनिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रही है रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअलिटी को. नाउ होगा क्या, इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया कि देखो माँ बनने से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, माँ बनते तो काम करते हैं, माँ नहीं बनते ठीक है, लेस्बियन रिलेशनशिप्स तो है ही है. और आप एक काम करो, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, आप IVF तो इस तरह के तरीके यूज कर लो जिससे कि आपको उस फैमिली के स्ट्रक्चर में बंधना ना पड़े ठीक है. तो दिस वाज देयर सॉल्यूशन ऑफ ऑपरेशन, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक. उन्होंने बोला भी है अ सेक्शन ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट, अ सेक्शन ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स promote such a revolution which comes from their freedom from sexual role which is reproduction. ठीक है, reproductive techniques यहाँ पे बात कर रहे हैं Adriana Rich and Mary O'Brien कि modern reproductive techniques are a trap for women, तो they may promise untapped freedom. तो यहाँ पे हम देखते हैं contradiction है, ऐसा लगेगा कि एक बार reproductive freedom मिल जाएगी तो women will be free, but it's a trap. क्यों? Men who are alienated from the reproductive process try to have power over women reproductive process as compensation. Kaise male doctors and psychologists write down the rules, tell women how to feel and when to feel and how to act during pregnancy and delivery, which you said right now. How male doctors will tell this during pregnancy and delivery. Thus, pregnancy and birthing are not lived experience for women. In this regard, Mary O'Brien commented that the modern reproductive techniques are men's strategy to get a child for nothing. Forced motherhood. यहाँ पे भी also have to see कि contraceptives आ तो गए हैं, लेकिन contraceptives जो market में हैं, which are again the stock of emergency pills, highly have lot of effect on women health. So सारा का सारा research is about women. When it's much much easier to do contraceptive by working on male body, but वो चाहे वो नसबंदी जिसको बोलते हैं वो कभी नहीं की जाएगी. तो it's through process of even reproductive technologies के through भी women becomes a section of oppressed or a subject at least jinki sexuality pe control kiya jayega, at least they are part of the research. Now forced motherhood, I think this makes clear, feminist mothers may have this experience, a sense of ambivalence in terms of bringing up their son against patriarchal ideology that promotes the idea of sons as future. Theek hai, this is women as sexual slaves, we have touched this part ki how prostitution is another form of sexual coercion.
prostitution mein India has an interesting take. So the prostitution debate on in Maharashtra about bar girls became a split between Indian feminist movement, because one section of feminists were like prostitution पे ban लगना चाहिए, ये immoral है, ठीक है, समाज के लिए गलत है, तो ये धंधा बंद होना चाहिए. एक सेक्शन जब दलित फेमिनिस्ट का डिफरेंट स्टैंड में, फर्स्ट कि ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, सेकंड गिव अस अल्टरनेटिव्स बिफोर बैनिंग इट, क्योंकि तुम बैन कर दोगे ये सब इलीगल हो जाएगा, आवर किड्स विल डाई ऑफ हंगर या फिर जो बाकी रिपरकशंस होंगे. सो दिस बिकेम अ स्प्लिट बिटवीन द अपर कास्ट फेमिनिस्ट एंड द दलित फेमिनिस्ट. बैन ऑन महाराष्ट्र बार गर्ल्स, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी ब्रीफ लाइन ऑफ थॉट विच कैन बी डेवलप्ड लेटर. Now, liberating strategies, radical feminists ने क्या बताई? इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं. So, radical feminist maintains that every society has two cultures. एक जो visible male culture होता है, एक होता है invisible female culture. Now, religion, government, economy and सारे के सारे social institutions हैं, वो सारे के सारे male views और interest की बात करते हैं. The male culture, men envy women's reproductive process and female creative energy. तो यहाँ पे personal is political becomes radical feminist का जो standard logo है. Which is where sexual politics की बात करते हैं. The emergence of femininity in girls and masculinity boys is not due to psychological difference in their parent, but due to the difference in the power. तो सारे की सारी feminine and masculine quality वो institutions बनाते हैं, हमारा education, religion, हमारी parenting, वो सब बनाती है. तो इसलिए de-biologizing की बात करते हैं कि biology में ऐसा कुछ नहीं कि कोई difference हो, but हम उसको reinforce कर रहे हैं बना बना के. तो Mary Daly, Adrienne Rich advocated celibacy for women's culture. एक डॉग जिसे अगर हम उसकी बात करें हेजेमनी पर जो डॉग ग्रामसी, हाँ, सो देयर इज अ डोमिनेंट कल्चर एंड देयर इज अ सबऑर्डिनेट कल्चर. तो इसी तरह से मेल कल्चर है जो कि पब्लिक स्पेस में है, वुमेन कल्चर को प्राइवेट स्पेस में माना गया, बट हमें क्या है उस कल्चर वॉर ऑफ पोजिशंस की बात करते हैं ना. सो वी नीड टू ब्रिंग बैक द वुमेन कल्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी सब्स्टिट्यूटिंग न्यू वैल्यूज. तो हमें न्यू वैल्यूज की जरूरत है. वुमेन कल्चर की यहाँ पे क्या बात करें कि जो वुमेन कल्चर उनकी क्या क्वालिटीज हैं, एम्पैथी, इंट्यूटिवनेस, अडेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ ग्रोथ एंड एज अ प्रोसेस कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड इमोशनली एज वेल एज रैशनली. तो ये बात करें, द फर्स्ट टास्क ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट इज टू रिकंस्ट्रक्ट पेट्रियार्कल लैंग्वेज. लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रेडिकल फेमिनिस्ट के लिए, क्योंकि वो बात करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, तो उस लैंग्वेज के थ्रू ही एक सोशल रियलिटी कॉन्स्ट्रक्ट की जाती है. उस लैंग्वेज के थ्रू ही उसको सिखाया जाता है कि देयर इज अ पावर डिफरेंस, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड नेमिंग. तो मैरी डेली डिफाइंस फेमिनिस्ट नेमिंग एज अ डेलिबरेट कन्फ्रंटेशन विद लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स. डेली बिलीव्स दैट द एक्टिविटी टू बी एबल टू नेम थिंग्स वनसेल्फ फॉर एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड अराउंड थ्रू लैंग्वेज इज इंडिकेटिव ऑफ पावर. फेमिनिस्ट नेमिंग दस बिगिंस विद द वुमन invoking and exercising this power and confronting traditional language structures. बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आजकल हमने शायद देखा हो कि जब मेल लिखते हैं तो डियर सर नहीं लिख सकते, पहले स्कूल में प्रिंसिपल लिखते, स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं तो डियर सर लिख देते थे, या फिर किसी को एड्रेस करे तो चेयरमैन एड्रेस कर दिया, चेयर पर्सन होना चाहिए. सो दिस स्मॉल स्मॉल शिफ्ट लैंग्वेज की जो शिफ्ट है, इट ट्राइड्स टू रेडिकल फेमिनिस्ट ट्राई टू ब्रिज दैट पावर गैप. क्रिटिक क्या रेडिकल फेमिनिस्ट का क्या क्रिटिक हो सकता है इसमें, in the interest of time I'll just read. Critique kya hai? They contend that the patriarchy is transcultural and universal phenomena. Female separatism as envisaged by the radical feminist excludes men who are half of the world population. Exclusion of men cannot bring about a revolution. So, jo revolution ki baat kar rahe, they have outrightly excluded men, radical feminist ka. Isliye unhone kafi man bashing, anti-men karke, media mein bhi unko aise, to some extent, to some part, इट वॉज डीलेजिटमाइज. और यही फेमिनिज्म का एक मेजर अंडरस्टैंडिंग भी सोसाइटी में जाती है. द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट इज दैट द कन्विक्शन दैट वाइल द सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन माइट हैव बीन अ सोर्स ऑफ डेंजर इन द पास्ट, इट कैन बिकम अ लोकस ऑफ पावर फॉर वुमेन इन द फ्यूचर. तो सेक्सुअलिटी जो कि एक बेसिस था उनके ऑपरेशन का, दे हैव ओवरटर्न द टेबल बाय सेइंग कि सेक्सुअलिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ पावर ऑल्सो. सो दिस वॉज द एक्सिस विच रेडिकल फेमिनिस्ट टुक. इट्स ऑलरेडी 6:30. Just taking a time check. Do we have another 10-15 minutes? We can. Is it okay? We take it. Socialist feminist or post-colonial bachay. Socialist feminist kya karte hai? Which moves one step forward from radical,
यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट्स अ सिंथेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिस्ट. सोशल फेमिनिस्ट अडॉप्ट्स टू काइंड ऑफ अप्रोच, दो टर्म्स यहाँ पे हम लोग इफ वी कैन टेक अवे. एक तो ड्यूअल सिस्टम थ्योरी, एक यूनिफाइड सिस्टम थ्योरी. तो ड्यूअल सिस्टम थ्योरी क्या है, जूलियट मिशेल बात करती है पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म. तो दो अलग अलग सिस्टम है, मार्क्सिस्ट ने दिया कैपिटलिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट ने दिया पेट्रियार्की. तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने क्या किया, उनको कंबाइन कर दिया और उनको बोला कि दे आर नॉट. सो ड्यूअल सिस्टम बिलीव दैट दे आर टू सिस्टम्स, टू सेपरेट सिस्टम ऑपरेटिंग विच इज पेट्रियार्की एंड कैपिटल एज सेपरेट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन बट डायलेक्टिकली रिलेटेड. सो दीज टू आर नॉट सेपरेट बट रिलेटेड नाउ टू ईच अदर. वाइल जो यूनिफाइड सिस्टम थ्योरी है, जो कि हार्टमैन एंड शेलर रॉक बॉटम बात करती है कि पेट्रियार्की और कैपिटल जो है ना वो सेपरेट हो ही नहीं सकते. दीज आर यूनिफाइड सिस्टम, दे आर इनसेपरेबल. इट्स लाइक समटाइम्स इन आर डिस्कशन वी टॉक ऑफ कास्ट एंड जेंडर एज सेपरेट. There is a whole literature on caste is no doubt axis of oppression, gender is another axis of oppression. Sometimes we treat them as separate. So that means we are following the school of dual system theory. But there is one system theory which believes is a unified system. Caste and gender can never be separated. So which is where Brahmanical patriarchy helps us to bring this together. So as a capitalistic patriarchy, one can free to choose which path they want to stick to. Historical conception of biology, social feminists believe that biology is gendered as well as sexed. ठीक है. Social feminists believe that the inner lives, our bodies and behavior are structured by social imposed gender structuring. तो ये बात कर रहे हैं कि जो transformation होता है, the transform जैसे boys और girls बनते हैं, उनके masculine and feminine characters बनते हैं, वो एक systematic gender structuring के through होता है, जो कि एक throughout process है, lifelong process है. Iris Young is important name in this. Iris Young बोलते हैं कि women in sexist society are physically handicapped because they are less mobile and the structures of physical development. So उनकी mobility ही restrict की जाती है society में, जिसकी वजह से उनका development नहीं हो पाता है. Social feminists इसकी बात करते हैं. Motherhood हो गया. Historical analysis of gender division of Iris Young. In this section, historical analysis, gender division of labor talks of historical analysis that with the rise of capitalism came the public-private split. Capitalism identified men as a primary workforce and women as a secondary workforce. In 1970s, we see that socialist feminists began to demand due wages of women were because political economy of women's liberation exposed domestic labor as a crucial form of women's work. Now, यहाँ पे वो केयर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी में वुमेन का क्या रोल है उसको कंसिडर करना चाहिए. वुमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स. एलिसन जैगर टॉक्स ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट व्यू ऑन हाउ वुमेन आर ट्रीटेड एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स. कैसे वुमेन को ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट और वुमेन बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट. कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल वेयर वी सी वुमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं विदाउट इवन रीडिंग इफ वी कैन. एक प्रोसेस होता है जिसमें दान किया जाता है, कन्यादान. सो दान आप किसका कर सकते हैं, दान आप वस्तु का कर सकते हैं. दान एक इंसान दूसरे इंसान को कर सकता है, ठीक है. वो तभी दान हो सकता है जब there's an understanding of as an object. बाकी उसको कितना भी fantasize or glorify और rituals के through कर लो, but it's ultimately it's about giving away. Presumably a virgin girl. Alienation. यहाँ पे एलिनेशन की बात करते हैं कि वुमेन मार्क्स ने एलिनेशन की बात की थी. वुमेन का अपना एलिनेशन कैसे होता है कि वुमेन लाइक वेज वर्कर्स आर एलिनेटेड, बिल्कुल वेज वर्कर की तरह वो भी एलिनेट होती हैं. कैसे, एलिसन जैगर प्रपोजेस एलिनेशन एज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विच अकोमोडेट्स द इनसाइट ऑफ मार्क्सिस्ट रेडिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लिबरल फेमिनिस्ट. कैसे वुमेन को कैसे एलिनेट किया जाता है सिस्टमैटिकली. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें लगेगा एटलीस्ट सम with women we interact, we find the sense of self-doubt, sense of low confidence, self of always questioning and sometimes not able to see that how this Marx ki koi baat kar raha hai ki labor ko pata hi nahi hai ki there is an alienation taking place. Jo factory mein labor kaam kar raha hai usko lagta hai norm hai, yahi to kaam kar raha hai, subah 9 se 5 job karni hai, aur uska product se alienation ho raha hai, uska society se alienation ho raha hai, uska fellow se alienate ho raha hai, aur fir gradually khud se wo alienate ho raha hai. So this
consciousness is not developed until unless we read Marxism. Now, how is woman is eliminated from her body and the product upon which she works? A woman has little say on her body. She adorns herself, diets and dresses up. All these activities are done for men. So the whole fashion industry proposes, the Bollywood proposes ki aisa dikhna hai tab jaake aapko koi approach karega. So there is the woman is alienated from the product of her reproductive labor. Ek bar bachcha paida ho gaya to us bacche ka naam father ke naam pe diya jayega. Theek hai, ladka paida ho gaya to wo ghar ka chirag ban gaya. Uske baad aurat ne to deliver kar di, like opening a popcorn, usme se theek hai khali packet hai usko chhodo. So this whole motherhood is also an alienation process. The woman does not have the power to decide how many children. She does not have and when to have children. Wo bhi uske control mein hai. Motherhood can also be alienating experience for women, as women may be alienated from the process of their reproductive labor. Childbearing is sara ka sara alienating process hai. Women are alienated from their intellectual capacities to extent that men take control of their production and distributing knowledge, and the process of women are not at ease in academies. Women, ye point kya hai ki women intellectual capabilities are alienated. Kaise? कहाँ हम देख सकते हैं ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे कैसे कि ठीक है मदरहुड बिकम्स स्टिल क्लियर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज केयरिंग आई गिव द एग्जांपल ऑफ माय सिस्टर इवन एक्चुअली शी वाज ब्रिलियंट गर्ल शी वांटेड टू परस्यू एग्रीकल्चर ऑफिसर जॉब बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली शी गेटिंग मैरिड शी इज नॉट गेटिंग इनफ टाइम एज शी गिवन द बर्थ टू चाइल्ड सो शी इज बिजी इन नाउ दैट ओनली थिंग्स टीचरिंग केयरिंग एंड रेयरिंग एंड डू ओनली दैट सर्टन means this child becomes constrained in her intellectual capacity. If she has a time, she may be pursue her dreams, but she is not doing that. So this may be the can cause how the caring and rearing, the patriarchy curbs the intellectuality of women. I'll just reread this part. What you're saying is correct. Intellectual women are alienated from their intellectual capacities. How? To the extent that men take control of producing and distributing knowledge. So the process of producing and distributing knowledge and the process, women are not at ease in academy. So this I'm very specific to JNU context. We are in the business of producing knowledge and disseminating knowledge. But how is intellectual capacity of women is alienated? If you can think of this one statement. What are feminists trying to say here? I don't know if this will count, but like even in the beginning, there was John Stuart Mill. Yeah, Harriet Mill. Harriet Mill. Yeah. But so far, I had only read about John Stuart Mill, not so much about. Brilliant Harriet example. Mill. Yes. So mainstream political science, mainstream your law and governance, mainstream sociology, women and gender will be subpart or just tragic, like footnote. It will not show you the feminist critique of knowledge production itself, feminist critique of social sciences, father of sociology, father of this, father of that. So the whole gauge is male. The whole, it's called anthropogenic, androgynous, something. I'm missing the word, but anthropogenic worldview, anthropogenic knowledge production. So you'll never find voices of, you know, feminist critique. You said the black women revolted, but we don't find it in history. It's easy, like hum log history ko padhte hain, to we find Rani Lakshmibai, we find certain examples. Theek hai? So they are not questioning the history writing process. History writing is still male driven. उसमें बस ऐसे सलाद की तरह, स्प्रिंकल्स की तरह वुमेन के नाम ऐड कर दो, हो गई फेमिनिस्ट हिस्ट्री. नहीं, फेमिनिस्ट आर क्वेश्चनिंग द प्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, व्हिच हैज टू कम फ्रॉम अ सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ दलित सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव. यू आर एबल टू सी दैट हाउ ऑपरेशन इज मल्टी लेयर्ड. लिबरेशन ऑफ वुमेन, तो यहाँ पे दिस इज वॉट फैलिक सिम्बल्स आर, दैट मेल साइकोलॉजी पूरा का पूरा, स्टेट की थ्योरीज हो, साइकोलॉजी थ्योरीज हो, सिगमंड फ्रॉइड हो, सारे के सारे मेल ओरिएंटेड नॉलेज प्रोडक्शन है. और सर क्रिटिक क्या है सोशल फेमिनिस्ट का, कि दे आर नीदर रेवोल्यूशनरी नॉर रेडिकल इनफ.
it underplays the significance of capitalist form of exploitation. It has failed to create lasting solution to the problem of female economic and social exploitation, but it fails to explain what democratization and procreation would means in practice. So androgynous, हाँ, the word is androgynous. Androgynous society. तो masculine and femininity के बीच में जो distinction है, that will not exist. Social feminist ने वो बताया नहीं कि कैसे वो आप उसको end करोगे. Social feminist is the most evident indicator in terms of showing how paradigm shifted. तो social feminist में find the evolution from shifting from feminist question of radical and Marxist. Work on each other and understanding of women's tangible and intangible operation. So we find to some extent this addresses the evolution of what has taken place. Post-colonial feminist, we are because short of time. Post-colonial, if you can just open it, I'll just walk you through the headings that I have. पहली बात तो कॉलोनियलिज्म का क्रिटिक है. कॉलोनियलिज्म अपने आप में क्या है कि ठीक है, वेस्टर्न यूरोप ने बाकी कंट्रीज कॉलोनीज पे कब्जा किया था, इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज. तो कॉलोनियल ने नॉलेज प्रोडक्शन में भी दे हैव कैप्चर्ड द ओरिएंट, व्हिच एडवर्ड सेगेट कॉल्ड ऑफ ओरिएंटलिज्म, की होता क्या है, हम पे फिजिकल कैप्चर तो किया ही था, हमारे रिसोर्सेज तो लूटे ही थे, लेकिन नॉलेज प्रोडक्शन के थ्रू भी ईस्ट और वेस्ट की डायकोटमी बना के भी उन्होंने जो ओरिएंट्स है उनकी नॉलेज को एक्सप्लॉइट किया. आज भी जो नॉलेज प्रोडक्शन है इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. सारी सारी यूनिवर्सिटीज, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वेस्ट में, स्कॉलरशिप वहीं से मिलती है. सो नॉलेज प्रोडक्शन इटसेल्फ, नॉलेज, एक तो पहली बात तो फूको ने कहा नॉलेज अपने आप में, नॉलेज प्रोडक्शन विदाउट पावर नहीं होता, इट कम्स विद पावर, इट हैज अ डिस्कोर्स. एंड पोस्ट कॉलोनियल बस उसी का क्रिटिक है. पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट टॉक में गायत्री स्पिवाक, मोहंती, होमी बाबा, सो दीज आर टॉकिंग ऑफ कि ओरिएंट्स जो है ना, ऐसे नहीं कि ओरिएंट्स आर प्लेस्ड बिलो द वेस्ट. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट की डायकॉटमी वही जो फेमिनिस्ट क्रिटिक करते हैं, अगर बाइनरीज बनाई है तो बाइनरीज इक्वल तो होती नहीं है. ईस्ट और वेस्ट तो डायकॉटमी हम लोग बिलीव नहीं करते हैं. जो वेस्ट है उनका अपना कल्चर है, ईस्ट की कल्चर. सो कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करेंगे. इफ यू लुक थ्रू दिस पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में विल फाइंड कल्चरल रिलेटिविज्म की हेडिंग्स देख लेते हैं. हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं. पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स चैलेंज करता है ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि वेस्ट से प्रोड्यूस होता है. पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, कॉलोनियल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, जो वुमेन है एज ए कैटेगरी, द क्वेश्चन कि वाइट वुमेन नहीं, ब्लैक वुमेन अलग है, दलित वुमेन अलग है, इंडियन वुमेन अलग है, तो दिस ब्रिंग्स हेट्रोजेनिटी इन फेमिनिज्म. और डबल बर्डन तो है, एक तो पहले हमने पढ़ा था कैपिटलिज्म का बर्डन, ठीक है, तो यहाँ पे बर्डन क्या है, एक तो आप कॉलोनी रहे हो तो कॉलोनी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ ही है, तो यहाँ की इकोनॉमी तो खराब हुई है कॉलोनी की वजह से. नाउ नॉलेज प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो भी रिसर्चर्स काम करते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया के ट्राइब्स पे काम करते हैं, इंडिया के कास्ट पे काम करते हैं, इंडिया के कल्चर पे काम करते हैं, वहां जाके पेपर लिखते हैं, वहां जाके उनको जॉब मिलता है, वहां जाके वो और ज्यादा पावर एक्वायर करते हैं. सो इट्स वेरी एक्सट्रैक्टिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉलेज. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज, एक तो वो पास्ट को सैवेज करने की बात, पास्ट को सैलवेज करने की बात करते हैं, और जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, कॉलोनियल पास्ट है, वो भी उतना ही मैटर करता है, तो उसको मार्जिन से सेंटर में लाने की बात करते हैं. रेसिज्म इज इम्पॉर्टेंट कैटेगरी. अभी तक हमने क्लास पढ़ा था, ठीक है, सेक्स पढ़ा था. रेसिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, इसीलिए ब्लैक फेमिनिस्ट आएगा, ठीक है. इसमें भी हम पढ़ेंगे तो दलित फेमिनिस्ट नहीं है, इस रीडिंग में भी मेंशन नहीं है कि कास्ट एज अ सेपरेट कैटेगरी. सो वी फाइंड इवन पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म इज नॉट एबल टू एंगेज विद कास्ट एज अ कैटेगरी. गायत्री स्पिवाक का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दो तीन नाम है गायत्री स्पिवाक, उनका इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट था वो कैन द सबॉल्टर्न स्पीक, ठीक है, हु रिप्रेजेंट्स हुम, इस पे बात कर रहे कि थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म और फिर ट्राई जो जो इंडियन फेमिनिज्म, साउथ एशियन फेमिनिज्म है, उसकी बात वो लोग ना करें जो वहाँ वेस्ट में बैठे हैं, और जो यहाँ पर भी बैठे हैं उसमें भी वो लोग ना करें जो अपर कास्ट प्रिविलेजेस हैं, ठीक है. दिस क्वेश्चंस लॉट ऑफ हम लोग जे एन यू में भी डिबेट चलते हैं कि किसकी हेजेमनी है, हु इज द who is representing you know power and knowledge production. तो यही है इसमें, आई थिंक पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में यही है. तीन चार पॉइंट है, इंडिजिनस कल्चर, कल्चर जो है क्रिटिक है, कल्चरल क्रिटिक हो गया. हेट्रोजेनिटी, प्लुरालिटी एंड इंक्लूजन हो गया. जो सिस्टरहुड की बात करते हैं ना कि सारी औरतों का तो ऑपरेशन हो रहा है, उसको क्वेश्चन करते हैं, कोई सिस्टरहुड नहीं है, ठीक है. पोस्ट कॉलोनियल सेलिब्रेट्स प्लुरालिटी, मार्जिनलिटी की बात करते हैं. डबल कॉलोनाइजेशन ऑफ वुमेन, की वुमेन जो है वो पहले भी कॉलोनाइज थी और डबल कॉलोनाइज होगी, मार्जिन से सेंटर पे लाना है.
पैरेललिज्म एंड इंटरसेक्शन की बात करते हैं। कॉलोनियलिज्म में एक जस्टिफिकेशन ये था ना, वाइट वाइट मेल्स बर्डन, हाँ रेशियल सुप्रीमेसी थी, और वो तो हमको, हम तो सैवेज थे, हम तो एकदम अनसिविलाइज थे, हमको पढ़ाने के लिए आए थे यहाँ पे। सो वही है एडवर्ड सेड, आई थिंक एडवर्ड सेड वी हैव टू रूट, इफ समबडी हैज रीड एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म आई वुड लाइक रियली वांट टू इनवाइट यू, यू नो कम एंड शेयर द रीडिंग्स, अगर किसी ने पढ़ी है फिर अगर पढ़ने का सोच पे, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी हैव नॉट एंगेज्ड विद दैट। I think with this note we have come to an end. So I would like to really thank you for engaging, thank you for sharing. I hope some certain concepts become palatable for all of us to take back in our research. With this brief note, you're all, if you're not part of the group, let us know, we can add. Har Friday ko karte hum log reading. Har Friday ko karte hum log reading. 5 se 6, 6:30 isi jagah pe. You're free to pick up your own reading. You're free to present. किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी आप प्रपोज कर सकते हैं, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। थैंक यू सो मच, वी कैन हैव वन पिक्चर इफ एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, एक पिक्चर ले लेते हैं।